तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 टाइम्स यानी -3 -V/U, तो V इक्वल टू कितना आ गया? 3U, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर? हम जानते हैं कि V इक्वल टू UF/U-F, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना है? 3U, V इक्वल टू 3U, U को एज इट इज रहने देते हैं इनटू F, F कितना है? F, F है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑफ 20 अपॉन U माइनस माइनस ऑफ 20, ठीक है। अच्छा, गलती हो गई, हमें तो फोकस निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? फोकस, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। V इक्वल टू UF/U-F, ठीक है। V कितना है? 3U, ये क्या है? U, और हमें फोकस निकालना है, ठीक है। U-F, 3 इंटू यू के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस ट्वेंटी एफ, हाँ। आगे की बात करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ की बात करते हैं, तो वी यहाँ पे ये हो जाएगा, ये -60 और ये -20F अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आया F इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ आ गया क्या? यह है -F, तो -4F इक्वल्स टू -60, F इक्वल्स टू 15, ठीक है। F इक्वल्स टू कितना कितना आया? प्लस था, -15, ठीक है, -15, ठीक है। तो -15 मतलब ऑप्शन बी इज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।